नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्ल्यू एन के चैनल। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। ओमिक्रॉन एक बार फिर से कहर बनकर आया है, तो वहीं जिसको लेकर सरकारें अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सीएम योगी ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी का मेरठ दौरा, 2 जनवरी दो प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे पीएम मोदी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आज रात से लगेगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, उत्तर प्रदेश में हालात का जायजा लेने के बाद विधानसभा चुनाव टालने पर फैसला होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव टालने की अपील पर अनुराग ठाकुर बोले, कब इलेक्शन होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा। देश में कोरोना के 6,650 नए केस दर्ज, 374 लोगों की मौत, ओमिक्रॉन से अब तक 358 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में नई कोरोना गाइडलाइन का ऐलान, जल्द शादी सादगी कार्यक्रम पर लग सकती है पाबंदी। चुनाव से पहले किसानों को सीएम चन्नी का बड़ा तोहफा, 2 लाख की कर्ज माफी, स्मारक का निर्माण और फायर रद्द। अखिलेश यादव के करीबी परफ्यूम कारोबारी के 10 ठिकानों पर आईटी रेड, रात भर 4 मशीनों से गिरे गए नोट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर। पार्टी से नाराजगी के सवाल पर बोले हरीश रावत, कदम कदम बढ़ाया जाए, कांग्रेस के गीत गाए जाए। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर साधा निशाना, कहा सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताई। लगातार चौथे दिन भी हवा के हालात खराब, AQI बेहद खराब श्रेणी में 424 दर्ज किया गया। ऐसी ताजा अपडेट के लिए बने रहिए डब्ल्यूएन के साथ। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।